हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत नया टॉपिक भी रहेगा सबके लिए। एक नई सीख है क्योंकि मेरे लाइफ में भी ये फर्स्ट टाइम मैंने सीखा फ्रेट ट्रेड और एक्सपीरियंस भी किया है। पहले सुना था बट मैंने एक्सपीरियंस भी किया फ्राइडे के दिन। बहुत जन को पहले पता नहीं होता कि फ्रेट ट्रेड होता क्या है। फ्रेट ट्रेड मतलब एक ऐसा क्वांटिटी डायरेक्टली एनएससी के साइड से ट्रेड होता है कि जो एक्चुअली चार्ट में एग्जिस्ट नहीं, चार्ट्स में नहीं बताता, शो नहीं होता, बट मार्केट डेप्थ में वो वैल्यू पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही एक ट्रेड, दो ट्रेड इनफैक्ट, एक निफ्टी में हुआ और एक बैंक निफ्टी में हुआ। जस्ट आई विल शो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी 37,000 पुट है। ये अगर आप इसका मार्केट डेप्थ देखोगे तो इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग 1931 था, मतलब ठीक है, नियरली अबाउट 2000 था। नेक्स्ट डे जैसे ही वो ओपन हुआ 1 रुपीज पे हुआ, मतलब तभी इसमें कुछ तो ऑपरेटर गेम हो चुका था। मतलब किसी को बाइंग प्राइस यहाँ पे करने के लिए स्ट्रेट अवे ये प्राइस 1 रुपीज पे लेके गया और विद इन 1 मिनट उसने हाई मारा 2080 का। मतलब किसी ने तो यहाँ पे बाय किया रहेगा ना, या किसी ने तो वहां पे सेल किया रहेगा, और ऑलरेडी जिनका हेज पोजिशन था शॉर्टिंग में, गॉड ग्रेस की उनका क्या हुआ रहेगा कि उन्होंने किसी ने जीटीडी ऑर्डर अगर डाला रहेगा और यहाँ पे शॉर्टिंग में खड़े रहेंगे तो यहाँ पे तो पूरा मार्जिन साफ हुआ रहेगा उनका एक ही दिन में। क्योंकि अगर इसका ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ट्रेड था, ये कैंडल ओपन ही हुआ। जनरली यहाँ पे दिखा नहीं रहता, आपको डेप्थ में पता चलेगा। यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल ओपन ही हुआ 1 रुपीज में, लो 1 रुपीज पे था और विद इन 1 मिनट उसका हाई था 2040 और उसके बाद में वो नीचे गया ही नहीं। तो कहीं तो यहाँ पे शॉर्टर्स फंसे रहेंगे। जो उन्होंने बाय किया वो तो ठीक है, उनकी लॉटरी थी, बट 90% वो बायर नहीं, वो सब शॉर्टर्स ही थे, नॉर्मल ट्रेडर की जो ऑलरेडी हेज करके चल रहे, वो यहाँ पे फंस गए रहेंगे। ठीक है, दिस इज अ थर्ड टाइम, थर्ड इंसिडेंट हो रहा है जुलाई मंथ से। जुलाई मंथ में भी एक फ्रेक ट्रेड हुआ था। यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस में 37,000 का एक फ्रेक ट्रेड हुआ जहाँ पे 1 रुपीज से डायरेक्टली 2040 टच हुआ। ऐसे ही एक दो फ्रेक ट्रेड हुए थे ऑलरेडी पहले निफ्टी में। एक 5 जुलाई को हुआ था कि जहां पे उसने एक 5% का एक फ्रेक ट्रेड, मतलब 16,500 का एक फ्रेक ट्रेड बताया, और एक 28 जुलाई को, मतलब ट्रेडिंग वैल्यू चल रहा था 15,787 ओपनिंग, और डायरेक्टली उसने एक लो टच करके बताया हुआ। ये फ्यूचर्स में हुए थे, बट ऑप्शन में मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया और मेरे क्लाइंट्स ने भी एक्सपीरियंस किया। एवरीबडी नोज कि एक ट्रेड फॉर वेल्थ के अल्गो ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म चलता है। अल्गो ट्रेडिंग में भी ऑलरेडी इन द शॉर्टिंग फॉर्मेट में थे हम लोग ने, शॉर्ट में हम लोग हेज में थे 16,450, एंड ये दिख रहा है आपको 16,450 का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने शॉर्ट किया था। उसके साथ में हमने ये भी शॉर्ट किया था 16,450 पी, दोनों भी शॉर्ट किए थे विद हेज थे हम लोग, प्रॉपर स्टॉप लॉस था। हमने उसको ऑलरेडी 143 पे हम लोग ने स्टॉप लॉस लगा था। बट हुआ क्या उस दिन, ये देखो कि उस दिन जो 130 से प्राइस हाइक हुआ डायरेक्टली 800 टच हुआ था विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, और ऑल ऑफ माय 10 क्लाइंट्स इंक्लूडिंग माय अकाउंट ऑल्सो, ये मेरे अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, 28,000 का डायरेक्टली लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर डायरेक्टली 677 पे ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर रखते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली वो 677 पे ट्रिगर हुआ था। तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग कि नॉर्मल ट्रेडर रिटेलर्स के, मतलब मेरे क्लाइंट्स के इंक्लूडिंग मी 3 to 4 लाख तो ऐसे ही चले गए। दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में थे और एक सेकेंड का जो ट्रेड था वो एक सेकेंड में, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ये देखो ये वॉल्यूम आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ये 2:17 और 2:18 में ये 10 लाख का वॉल्यूम हुआ, बाकी पूरे दिन में कुछ वॉल्यूम नहीं था, 10 लाख का वॉल्यूम। और सेबी ने वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्किट नाम का एक चीज होता है जो आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे अपर सर्किट ऑलरेडी 518 का अपर सर्किट है, मतलब मैक्स टू मैक्स वहां पे वैल्यू 518 जाना चाहिए था, वहां पे होल्ड करना चाहिए था, सर्किट लगना चाहिए था, बट वो सर्किट लगा ही नहीं एनएससी की तरफ से।
मतलब मेरा खुद का वैल्यू 677 पे क्लोज हुआ, टच वुड कहीं के वैल्यू, मतलब मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शॉर्ट किया था उनका कहीं कहीं को वैल्यू 800 पे टच हुआ डायरेक्टली, मतलब मेरे से 200 पॉइंट ज्यादा, मतलब और 10,000 उनका लॉस बढ़ गया था। और जैसे जैसे नीचे आया वैसे वो स्टॉप लॉस ऑर्डर से मार्केट ऑर्डर में ट्रिगर करते गया, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेक ट्रेड। मतलब वहां पे चार्ट में आपको यहाँ पे कहां पर भी वैल्यू दिख नहीं रहा है 800 का, 16,450 का कहां पर भी 800 वैल्यू दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे होता कैसे, एक ऑपरेटर गेम होता है, वो ऑपरेटर्स वैल्यू, मतलब यहाँ पे हुआ कैसे रहेगा एक्चुअल प्रोसेस में, यहाँ पे जब भी एक वैल्यू चल रहा है कुछ 120 वैल्यू चल रहा था, यहाँ पे देखो 101 हम लोग ऑलरेडी शॉर्टिंग थे मॉर्निंग में, यहाँ पे कहाँ पे तो 128 130 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था और वो 107 चल रहा था, ऑलरेडी वी आर इन प्रॉफिट, बट वो ऑटोमेटिक 3 o'clock को हम लोग कवर अप करते हैं अल्गो में। बट ये 2 कैंडल में चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 129 तक गया, मेरा स्टॉप लॉस 145 था 30%, बट वहां पे वो डायरेक्टली हाइक जंप किया 800 पे, क्योंकि वो आपको यहाँ पे दिखेगा, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे भी भेजा हुआ है, आप देखो ये देखो ये वैल्यू का पता चलेगा आपको, 2:18 और 19:219 को आपको पता चलेगा वैल्यू था 803, मतलब कोई तो ऐसे 8 लैक्स ऑर्डर थे और यहाँ पे 2 लैक्स के ऑर्डर थे, कि जिससे वो प्राइस वहां पे इंटेंशन था कि वहां पे लेके जाना है, किसी को तो प्रॉफिट करवाना है और वो किसी को तो प्रॉफिट करवाया, मे बी 10 लैक्स, क्योंकि वी आर इन द बायर साइड, हमला बायर साइड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मतलब किसी ने तो वहां पे 800 पे शॉर्ट किया है ना, तो ये शॉर्टिंग वाले सारे लॉट्स है, तो किसी ने 800 पे शॉर्ट किया और 100 पे बुक किया, तो 1 मिनट में उसको कितना बड़ा प्रॉफिट है, जो नॉर्मल रिटेल का जो लॉस था अप्रोक्सीमेटली, जो एनएससी के साइड से मैंने जो निकाला वो 250 करोड़ का लॉस था, वो विद इन 2 मिनट्स, वो भी स्ट्राइक प्राइस 16,450। आपके लिए मैं बता दूं और एक नॉलेज के लिए, ये ऑड प्राइस था, अगर ये इवन प्राइस होता मतलब 16,400 या 16,300, ऑड प्राइस मतलब जो 100 के मल्टीपल में होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत कम ट्रेडर होते हैं 450, 550, 350 के, आप जाके चेक करो वॉल्यूम वगैरह भी 450, 550 के इसमें कम होता है। यही ट्रेड अगर 16,400 में अगर हुआ रहता तो मे बी अ लॉस, मे बी 1,000 करोड़ इजिली, क्योंकि वहां पे लॉट साइज और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है 16,400 और 500 के ट्रेडर्स के यहाँ पे। तो मेरे क्लाइंट्स का जितना भी फ्रेक ट्रेड के वजह से जो भी कुछ लॉस हुआ, ये सारे आर्टिकल्स मैंने मेरे यूट्यूब पे और इस पे मैंने शेयर किए हुए, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे एक बेनिफिट्स क्या है, मतलब ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अभी तो ठीक है मेरे 9 क्लाइंट्स का ही हुआ, मेरे जैसे बहुत जन ऑप्शन हेज में शॉर्ट कर, दीज आर द इंट्राडे ट्रेड विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस का भी कुछ मीनिंग नहीं होता ना, अगर ऐसे कुछ होता है तो हम लोग स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 130 पे प्राइस अगर है और लेटेस्ट से मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस रखा है, और मैंने स्टॉप लॉस रखा है 150 पे, 150 प्राइस आया नहीं, वो जंप करके गया 160, 170, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, ये बहुत जन ने एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो वी ऑलवेज प्लेस द स्टॉप लॉस मार्केट की चलो 150 प्राइस नहीं लिया तो 170 है तो 170 पे चला जाएगा, आगे पीछे 10-20 पॉइंट्स वी कैन अज्यूम, बट यहाँ पे ऑलरेडी 600 पॉइंट्स का जंप जो इंटेंशन ही किया गया हुआ है। तो हो सके तो आप सेबी के पास, एनएससी के पास मेल करके ये कंप्लेंट रेज कर सकते हो, अगर आप विक्टिम हो चुके हो। मैंने और मेरे क्लाइंट ने ऑलरेडी ये कंप्लेंट रेज किया हुआ है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है दिवाकर सिंह जी, वो भी सेबी में ये कंप्लेंट लॉयर है, वो ऑफिशियली हम लोग कंप्लेंट लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि दीज आर द हार्डकोर मनी ना, हमारे ट्रेडर्स का ये पैसे, मेहनत के पैसे, जो एनएससी के एक रॉन्ग डायरेक्शन इंटेंशन की वजह से पूरा लॉस हो गया। और ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी से हमने और एक किया है, ठीक है चलो ये लॉस तो मैं तो कैसे तो रिकवर कर लूंगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे ट्रेडर थे जिन्होंने एफडी का पैसा डाला था या कहाँ से तो पैसे डाल के इसमें ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ये देखो बहुत सारे कंप्लेंट लोगों ने फाइल की है। तो मेरे तरफ से हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे 9 क्लाइंट, उनका 50% लॉस जो भी कुछ था वो ट्रेड फॉर वेल्थ बेयर करने वाला है, ठीक है। ये क्लियरली हमने इंटेंशन मतलब मैसेज डाले हुए, तो जो थैंक यू वाले मैसेज भी आए, जो ये समीर मानगांवकर करके, ये भी मेरे क्लाइंट है, इनके अकाउंट में भी हुआ है, अनिरुद्ध कुलकर्णी करके है उनके अकाउंट में भी हुआ है, तो
जो भी कुछ है, ये जो एक्चुअल ट्रेडर्स जो है उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनके एक्सपीरियंस के ये वर्ड है कि ये खुद हमारे अलगो के क्लाइंट्स है। तो ये ऐसे वर्ड, देखो मार्केट में पैसा बहुत कुछ कमाया जा सकता है अगर इंदौर और गुजरात और दिल्ली के जैसे कंपनीज है वहां से, अगर उस जैसा अगर ट्रेडर बनना है तो पैसे तो इजीली, तो मुझे मेरे पॉकेट से 2 लाख देने की जरूरत नहीं है 9 क्लाइंट्स को अगर 4 लाख का लॉस हुआ है तो। बट एक गुड बिहेवियर होता है, बिकॉज बाय प्रोफेशन में एक टीचर रहा हूँ, हॉनेस्ट टीचर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मैंने वही सिखाया, मेरे बच्चों को भी मैं वही सिखाता हूँ कि ठीक है कोई अगर लॉसेस में है तो उसको मदद करना चाहिए, ठीक है। तो और डरिए मत, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऑप्शंस में, वी आर कंप्लेनिंग सेबी के पास, हम लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द सेबी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगी, वो ऐसे मैं आशा करता हूँ। एंड लाइफ में आगे ऐसे कुछ हो ना, इसके लिए हम लोग भी कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, डेफिनेटली लेंगे अल्गो में प्रिकॉशंस उस तरीके के कुछ ऐसे, बट ऐसे प्रोसेस में कि जहां पे इतना बड़ा ह्यूज गैप होता है, कोई प्रोसेस काम में नहीं करता, कोई ब्रोकर, यहाँ पे ब्रोकर का भी कोई ब्लेम नहीं होता, यहाँ पे जो एनएससी से होता है वही ब्रोकर आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ऑल ब्रोकर्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी कंप्लेंट रेज करें, और आई होप कि ये वीडियो से सबको फ्रेक ट्रेड के बारे में पता चल गया रहेगा कि फ्रेक ट्रेड होते कैसे है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ऐसे ट्रेड से आप बचे रहिए, ऑप्शन में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फ्यूचर में तो मैंने 2-3 बार एक्सपीरियंस किया था, बट विद क्लाइंट ये एक्सपीरियंस था, अच्छा भी एक्सपीरियंस बोल सकते कि आगे लाइफ में कुछ सीखना हो। और मैं स्टॉक मार्केट में हमेशा बोलता हूँ ठीक है जो नेगेटिव हुआ वो हो गया, बट उससे कुछ तो सीखो, दैट इज अ डिसिप्लिन, कि ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, दीज आर नॉट अवर मिस्टेक, या ट्रेड फॉर वेल्थ का या मेरा मिस्टेक नहीं था, या अलाइज ब्लू का मिस्टेक नहीं था, बट ये किसी अर्थ थर्ड पार्टी का मिस्टेक था कि जिनका जुर्माना हमें पे करना पड़ा। बट इससे बचने के लिए भी कुछ डिसिप्लिन और कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और वो इन्वॉल्वमेंट के लिए आप भी ट्रेड फॉर वेल्थ से जुड़े रहिए, और ये कंप्लेंट के लिए आगे और फोर्सफुली आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले, और आपके जो भी कुछ वैल्यूएबल कमेंट होंगे, अगर आप इसके विक्टिम हो चुके हैं ये लॉसेस के, तो जरूर आप कमेंट कीजिए आपको कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस, और ट्रेड फॉर वेल्थ का जो इनिशिएटिव था जो 50% लॉस बेयर करने का, वो आपको कैसे लगा, उसके वैल्यूएबल फीडबैक आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे दे सकते हो। थैंक यू।